हाय फ्रेंड, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश। और आज मैं आपको 12th के 50 मार्क्स का आपका जो बुक है उसमें से प्रोज सेक्शन का लास्ट चैप्टर फॉरगेटिंग मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। फ्रेंड्स, इससे पहले भी जितने चैप्टर है वो सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर उस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज उसको आप देख लीजिए। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह पहले हम जानेंगे राइटर के बारे में कि फॉरगेटिंग का जो राइटर है उनका नाम है रॉबर्ट विल्सन लिंड। इनका पूरा नाम है रॉबर्ट विल्सन लिंड। इनका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1879 को बेलफास्ट में। ही डाइड 6 अक्टूबर 1949 हैम्स्टेड यूनाइटेड किंगडम में इनका देहांत हो गया था। इनको अवार्ड से नेल्स एंडरसन अवार्ड इन 1979 को इनको सम्मानित किया गया था। इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं द आर्ट ऑफ लेटर, ओल्ड एंड न्यू मास्टर, द प्लीज ऑफ इग्नोरेंस। ये उनकी वैसे बहुत सारी इनकी किताब है लेकिन ये इनकी महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। और ये है रूपर्ट विल्सन लिंड का, ये उनका रियल पिक्चर है, आप यहाँ पे उनको आप देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं और देखते हैं कि राइटर क्या कहना चाहते हैं। ओके, इन लिस्ट ऑफ आर्टिकल लॉस्ट बाय रेलवे ट्रेवलर्स एंड नाउ ऑन सेल एट ए ग्रेट लंदन स्टेशन हैज बीन पब्लिश्ड। जो स्टोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये स्टोरी जो है लंदन की है और लंदन राइटर जो है लंदन के रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं। वो एक्चुअली क्या हुआ था कि लंदन के रेलवे स्टेशन पे यात्रियों द्वारा रेलवे के यात्रियों द्वारा भूल से कुछ छूट गए सामान, आर्टिकल का मतलब होता है वस्तुएं, छूटे हुए सामान को एक लिस्ट जारी किया गया था। पब्लिश्ड का मतलब होता है जारी किया गया था उस सामान को बेचने के लिए एक लिस्ट टांगा गया था, राइट ना। एंड मेनी पीपल हु रीड इट हैव बीन एस्टोनिस्ड एट द अब्सेंट माइंडनेस ऑफ देयर फेलोज। जो लोग भी इसको पढ़ते, जो लोग उस लिस्ट को पढ़ते वो चकित हो जाते, हैरान हो जाते। एस्टोनिस्ड का मतलब होता है चकित होना, हैरान हो जाते अब्सेंट माइंडनेस को देख करके, माने भुलक्कड़पन को देख करके कि लोग किस प्रकार से अपने ही सामान को ट्रेन में छोड़ करके वो लोग उतर जाते हैं। क्योंकि उसमें जो लिस्ट लगा था काफी लंबा चौड़ा लिस्ट लगा था, काफी ज्यादा लिस्ट था और काफी मात्रा में वहां पे सामान रखा गया था सेल करने के लिए। तो ये सारी चीजें देख करके लोग वहां पे काफी हैरान हो जाते, जो लोग भी उस लिस्ट को पढ़ते कितने लोगों में भुलक्कड़पन है, राइट ना। If statistical records were available on the subject, however, I doubt whenever it would be found that absent-mindedness is common. आगे राइटर बोल रहे हैं, यदि किसी भी प्रकार से इस विषय पर लिखित प्रमाण उपलब्ध हो सकता तो मुझे संदेह है कि यह देखने में आएगा कि मानसिक विस्मृतता, मतलब भूलने की जो शक्ति है, हर व्यक्ति में पाई जाती है, यानी कि absent-mindedness जो है वो कॉमन है, हर एक व्यक्ति में लगभग अब्सेंट माइंडनेस होता है। इट इज द इफिशियंसी रेदर देन इन इफिशियंसी ऑफ ह्यूमन मेमोरी दैट कंपेल्स माय वंडर्स। इंसान की कुशल तथा क्रियाशील स्मरण शक्ति उसकी विस्मरण शक्ति से अधिक मुझे आश्चर्य कर देने वाली बात मुझे बाध्य करती है, मतलब मुझे वंडर कर देती है, मैं आश्चर्य हो जाता हूं। कैसे? मॉडर्न मैन रिमेंबर, यानी कि आधुनिक जमाने के लोग जो है इवन टेलीफोन नंबर,
टेलीफोन ये नंबर है, मेंबर गलती से हो गया है टेलीफोन नंबर। तो आधुनिक जमाने के लोग जो है वो टेलीफोन नंबर याद रखते हैं। ही रिमेंबर द एड्रेस ऑफ हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड का एड्रेस याद करते हैं। ही रिमेंबर द डेट ऑफ द बर्थडे, वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो याद करते हैं। राइट नाउ इस प्रकार की चीजें जो है वो याद करते हैं। ओके, ही रिमेंबर, वह याद करता है, क्या याद करता है, अपॉइंट फॉर लंच। वो लंच, उसको अगर कोई दोस्त जो है लंच या डिनर पे उसको इनवाइट किया हुआ है तो वो चीजें वो याद करता है। हिज मेमोरी इज क्राउडेड विद द नेम ऑफ द एक्टर्स, उसका जो दिमाग जो है, उसका दिमाग जो है मेमोरी, उसका याददाश्त जो है क्राउडेड, क्राउड का मतलब भरना, भरा हुआ, विद द नेम ऑफ एक्टर्स, एक्टर्स के नाम से भरा हुआ है, एंड एक्ट्रेस, एक्ट्रेस अभिनेत्री के नाम से भरा हुआ है, एंड क्रिकेटर्स, और क्रिकेटर के नाम से भरा हुआ है, एक्टर्स के नाम से, क्रिकेटर्स के नाम से, ये सब चीजों से उसका दिमाग जो है भरा हुआ है। राइट नाउ एंड फुटबॉलर्स एंड द मर्डरर्स, और जो है खून करने वाले लोगों से उसका दिमाग जो है भरा हुआ है। राइटर क्या मतलब ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जब भी आप न्यूज देखते हैं तो ज्यादातर हम अगर फिल्म इंडस्ट्रीज में अगर इंटरेस्ट लेते हैं तो हम सबसे पहले हॉलीवुड या बॉलीवुड की सबसे पहले न्यूज हम पढ़ते हैं। जो हमारा फेवरेट एक्टर है या एक्ट्रेस है उसके बारे में हम पहले जानने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आप क्रिकेट का अगर आप फैन हैं तो सबसे पहले अगर कहीं क्रिकेट चल रहा है या मैच चल रहा है तो सबसे पहले हम उसके न्यूज पढ़ते हैं। राइट ना, या फिर कहीं पे इंसिडेंट, अगर कहीं घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो सबसे पहले वो भी न्यूज हम लोग पढ़ते हैं। तो राइटर कह रहा है कि हमारा दिमाग जो है उन्हीं सब चीजों से हमारा दिमाग जो है भरा हुआ है। राइट ना, आगे कह रहे हैं ही कैन टेल यू, वो आपसे बता सकता है व्हाट द वेदर वाज लाइक इन ए लॉन्ग पास्ट ईयर। वो ये भी बता सकता है कि लॉन्ग आपकी कुछ साल पहले जो है मौसम कैसा था, एंड द नेम ऑफ द प्रोविजनल होटल एट विच ही हैड वाइल्ड मील्स ड्यूरिंग द समर। और वो ये भी बता सकता है कि गर्मी के मौसम में किस प्रकार से जो है वाइल्ड मील का मतलब खराब खाना जो है वो कहीं खाया हुआ था किसी प्रोविजनल होटल में। इन ऑर्डिनरी लाइफ अगेन ही रिमेंबर द ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट ही एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर। करें कि एक सामान्य जीवन में इंसान सिर्फ उसी चीजों को वो याद रखता है जो चीजें वो याद रखना चाहता है। मैं इसको अपने भाषा में इसको मैं समझाऊं तो लेखक कह रहे हैं कि इंसान या तो सबसे ज्यादा उन दिनों की याद रखता है जो किसी इंसान के साथ अच्छे दिन उसके लाइफ में कभी आया हो, या तो उन दिनों को कभी याद रखता है जो उसके दिन का सबसे लाइफ का सबसे बुरा दिन हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मान के चलो कि कभी आपको तेज भूख लगी होगी और आप किसी होटल में आप गए होंगे और वहां पे जय गए होंगे खाने के लिए, तो वहां पे आपको एकदम बेकार सड़ा हुआ खाना आपको मिला होगा, और तो वो भी आपको याद होगा। आप ये भी याद रखते हैं, कह रहे कि इंसान वो भी याद रखता है जो याद रखना वो चाहता है। जैसे हाउ मेनी मेन इन लंदन फॉरगेट ए सिंगल आइटम ऑफ देयर क्लोथिंग व्हेन ड्रेसिंग इन द मॉर्निंग। लंदन में ऐसे कितने लोग होंगे जो सुबह क्लोथिंग करते समय, ड्रेसिंग करते समय किसी सिंगल आइटम को वो भूल जाते होंगे। सिंगल आइटम का मतलब ये है कि मान के चलिए कि अगर अगर वो ड्रेसिंग कर रहा है तो ऐसा तो नहीं कि अगर वो कपड़ा पहन लिया तो पैंट पहनना भूल गया, ऐसा ऐसा ये भी नहीं है कि वो एक सॉक्स पहन लिया तो दूसरा सॉक्स वो पहनना भूल गया, ऐसा भी नहीं होता है। करे कि नॉट वन इन ए हंड्रेड, सैकड़ों में एक भी नहीं, शायद, परहैप्स, परहैप्स का मतलब शायद होता है, नॉट वन इन 10,000, शायद 10,000 से में से भी एक भी लोग नहीं होगा, ऐसा कोई भी नहीं होगा हजारों लोगों में से जो अपना क्लोथिंग करते वक्त और ड्रेसिंग करते वक्त किसी सिंगल आइटम को वो भूल जाता होगा। हाउ मेनी ऑफ देम फॉरगेट टू शट द फ्रंट ऑफ द डोर व्हेन लिविंग द हाउस। कितने ऐसे लोग होंगे जो घर से बाहर निकलते वक्त फ्रंट डोर जो है बंद करना भूल जाते होंगे, शायद कोई भी नहीं। घर से बाहर निकलते वक्त जो है मेन दरवाजा बंद करना, नॉर्मली ऐसे ही होता है कि जब सब लोग जो है घर से जब बाहर जाते हैं तो
तो क्या करते हैं, मेन दरवाजा जो होता है वो उसको शट कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो वही लेखक कह रहे हैं कि ऐसे कितने लोग जो हैं जो घर से बाहर जाने के दौरान जो है वो मेन दरवाजा बंद करना भूल जाते होंगे। क्योंकि भूल नहीं भूलने का रीजन ये होता है कि उनको मन में ये डर रहता है कि अगर मैं छोड़ देता हूं तो कहीं कोई आएगा और मेरे सामान को लेकर के भाग जाएगा। तो वो उन चीजों के डर की वजह से वो लोग जो हैं मेन दरवाजे को क्लोज कर देते हैं, शट कर देते हैं। ओके, आगे देखते हैं राइटर क्या बोल रहे हैं। स्केर्सली मोर एंड सो इट गोज ऑन थ्रू द डे ऑलमोस्ट एवरीबॉडी रिमेम्बरिंग टू डू द राइट थिंग एट द राइट मोमेंट टिल इट टाइम टू गो टू द बेड। अधिकतर इंसान को जो है क्या होता है, कई सारे चीजें जो है उसको सही, हर एक व्यक्ति याद रखता है, कैसे, सही समय पर सही चीजों को वो याद रखता है टिल टाइम गो टू द बेड, बिस्तर पे जाने से पहले। बिस्तर पे जाने से पहले का मतलब ये है, एंड देन द ऑर्डिनरी मैन सेल्डम फॉरगेट टू टर्न ऑफ द लाइट बिफोर गोइंग ऑफ स्टेयर। कह रहा है कि शायद ही एक सामान्य व्यक्ति जो है, स्टेयर का मतलब होता है ऊपरी छत, माने ऊपरी सीढ़ी, ऊपरी सीढ़ी पे जाने से पहले जो है, अगर आपका घर जो है अगर 2 मंजिला है, तो लेखक करें कि ऐसे कितने लोग होंगे जो ऊपरी मंजिल पे जाने से पहले जो है नीचे का लाइट टर्न ऑफ करना वो भूल जाते होंगे। शायद कोई भी नहीं, क्यों, क्योंकि उनको ये बात पता है कि अगर मैं बंद नहीं करूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल उसको याद कराता है, उसको रिमाइंड कराता है कि आपको जो है लाइट को ऑफ करना है। राइट नाउ ओके, देयर आर इट मस्ट बी एडमिटेड, तो इसलिए आपको अवश्य मानना चाहिए सम मैटर, कुछ बातों में, इन रिगार्ड्स टू विच द मेमोरी वर्क विद लेस देन इट इज योर परफेक्शन। ये इस बात को आपको अवश्य मानना चाहिए कि कुछ मैटर में हमारा दिमाग जो है बहुत कम काम करता है। मैंने कोई जरूरी नहीं है कि किसी लड़के का दिमाग अगर मैथ में अच्छा होगा तो उसका दिमाग फिजिक्स में भी अच्छा होगा, केमिस्ट्री में भी अच्छा होगा, बायोलॉजी में भी अच्छा होगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो ज्यादा इंटरेस्ट लेता होगा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो काफी मेहनत करता होगा फिर भी वो चीजें वो भूल जाता होगा। तो वही राइटर कर रहे हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कुछ मामलों में हमारा दिमाग जो है बहुत कम काम करता है। इट इज ओनली अ वेरी मैथमेटिकल मैन, आई इमेजिन, हु कैन ऑलवेज रिमेंबर टू टेक मेडिसिन हिज डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब फॉर हिम। करे कि सिर्फ वही लोग जो है एकदम बिल्कुल मैथमेटिकल मैन है, जो बिल्कुल एकदम बात को एकदम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, वही लोग जो है क्या कर सकते हैं, समय डॉक्टर के द्वारा बताए हुए समय पे वो लोग दवा खा सकते हैं। क्योंकि अगर जिनकी आदत नहीं है, जिनके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उनको डॉक्टर ने अगर उनको सलाह दिया कि आपको दवा जो है मॉर्निंग में खाना है, तो हो सकता है कि आपको जो है 12 बजे याद आए, हो सकता है कि आपको 2 बजे याद आए। लेकिन सिर्फ बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल पंचुअल होते हैं, वही लोग जो है इस बात को सिर्फ याद रख सकते हैं। This is the more surprising because medicine should be one of the easiest thing to remember. एक आश्चर्य वाली बात यह है कि मेडिसिन जो है वो खुद एक वस्तु है जो आपको वो चीज को याद दिलाता है। क्या चीज को ये याद दिलाता है, जैसे as a rule नियमतः it is supposed to be taken before, during or after meals, and the meals itself should be a reminder of it. यानी कि भोजन, या आपको भोजन करने के बाद दवा खाना है या दवा खाने के बाद जो है भोजन करना है, यानी कि भोजन जो है खुद आपको रिमाइंड करता है। आप जैसे जब कभी भी आप भोजन करने के लिए आप जब जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि मुझे डॉक्टर ने अगर कोई ऐसी मेडिसिन आपको सजेस्ट किया है कि ये मेडिसिन आपको खाना खाने के बाद खाना है या खाना खाने के पहले खाना है। तो जब कभी भी आप खाने के लिए आप जाएंगे तो वो चीजें जो है आपको याद आ जाएगा, वो मेडिसिन आपको याद आ जाएगा कि मुझे ये दवा खाने के लिए खाली पेट बोला गया था या खाना खा करके बोला गया था। राइट नाउ ओके, आगे देखते हैं। The fact remains, however, that few but
द मोरल जेंट रिमेंबर टू टेक देयर मेडिसिन रेगुलरली. बहुत ऐसे कम ही लोग जो है जो अपना मेडिसिन जो है, जो दवाइयाँ जो है, ठीक टाइम पर लगातार वो लोग लेते होंगे. मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट टेल अस दैट वी फॉरगेट थिंग्स बिकॉज वी विश टू फॉरगेट देम. आधुनिक जमाने के दार्शनिक लोग बोलते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं चीजों को याद रखते हैं जिन चीजों को हम याद रखना चाहते हैं, यानी कि जिन चीजों को हम भूलना चाहते हैं उन चीजों को हम भूल ही जाते हैं, हम उसे याद नहीं रखते. एंड इट मे बी डेट इट इज बिकॉज ऑफ दियर द एंटीपैथी टू पाइल्स एंड पॉल्यूशन डेट मे पीपल फेल टू रिमेंबर देम एट द अपॉइंटमेंट आवर. तो कई ऐसे लोगों को मानना है कि जो तरल जो मेडिसिन होते हैं जिसको सिरप हम बोलते हैं, तो बहुत लोगों को सिरप मेडिसिन जो लेने में इंटरेस्ट नहीं होता है, इसीलिए उनको जो टाइम दिया गया होता है उस टाइम पे वो लोग नहीं ले पाते हैं. दिस डज नॉट एक्सप्लेन्स हाउएवर हाउ इट इज दैट ए लाइफ लॉन्ग डिवोट ए मेडिसिन लाइक माई सेल्फ इज एज फॉरगेटफुल ऑफ देम एज दोज हु टेक देम मोस्ट अनविंगली. करेक्ट, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन मेरे ऊपर लागू नहीं होता. कौन सा एक्सप्लेनेशन मेरे ऊपर लागू नहीं होता? जैसे कि बहुत से ऐसे दार्शनिक लोगों ने बोला कि कुछ लोगों का मानना है कि जैसे जो लिक्विड मेडिसिन होते हैं सिरप, वो कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है, इसीलिए उनको बोला जाता है टाइम पर खाने के लिए तो वो नहीं खा पाते हैं. तो राइटर कह रहे हैं कि ये, लेकिन ये एग्जांपल जो है मेरे ऊपर सेट नहीं खाता, क्योंकि मैं जन्मजात से ही, मैं लाइफ लॉन्ग डिवोटी, मतलब बचपन से ही, मैंने बहुत दिन से मैं मेडिसिन लेता हूँ लेकिन फिर भी मैं भूल जाता हूँ लेना. इसका रीजन क्या है? द वेरी परफेक्ट ऑफ ए न्यू एंड वाइडली एडवर्टाइज क्योर ऑल डिलाइट्स मी. जैसे कि न्यू प्रकार की जो मेडिसिन है उसके एडवर्टाइज जो है मुझे खुशी दे देती है और मैं उस चीज को मैं भूल जाता हूँ. जैसे कि मान के चलिए कि आपको कोई बीमारी हुआ है, और कोई भी बीमारी, एक छोटा सा बीमारी, अगर आपको खांसी हुआ सपोज डेटा, और वो खांसी ठीक नहीं हो रहा है और उसके लिए आप काफ़ी आप लंबे दिन से आप मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, और अगर आप बैठ करके आप टीवी देख रहे हैं और टीवी में भी आपके पास एक ऐड आया, एड ये आया कि आप जो है ये दवा लीजिए और आपका खांसी दूर हो जाएगा, जबकि दवा आपके पास में होगा लेकिन फिर भी आपका माइंड जो है उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाएगा और आप दवा जो है खाना भूल जाएंगे. राइटर यही बोल रहा है कि मेरे पास दवा मेरे पास में होता है लेकिन जब मैं नए प्रकार की दवाइयों का एडवर्टाइजमेंट मैं देखता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, मैं पूरी तरीके से उसमें खो जाता हूँ. एट इवन इफ हालांकि आई हैव द स्टॉप इन माई पॉकेट, जबकि वो दवाइयाँ मेरे पॉकेट में होती है. I forget about it as soon as the hour approach at which I ought to the sell it. The chemist make their fortune out of the medicine people forget to take. अब इसमें जो chemist जो है इनका सबसे बड़ा benefit होता है. कैसा benefit होता है? आप दवा जो लोग मेडिसिन जो बेचते हैं उनको केमिस्ट बोलते हैं, तो केमिस्ट जो लोग हैं उनको बहुत बड़ा फायदा होता है. कैसे फायदा होता है? कि जैसे एक ऑर्डिनरी मैन जो है, चाहे कोई भी व्यक्ति दवा खाना अगर भूल रहा है तो जाहिर सी बात है उसके कुछ दिनों के बाद दवा एक्सपायर हो जाएगा, या फिर नए प्रकार की जब मार्केट में दवा आएगा तो आपके पास एक दवा रहते हुए भी आप फिर से जाएंगे नया दवा लेने के लिए, तो उसमें किसका फायदा होगा? उसमें केमिस्ट का ही फायदा होगा. तो इस प्रकार से जो है केमिस्ट जो है फॉर्चून आउट जो है धन बनाते हैं, पैसे कमाते हैं. आगे देखते हैं. द कमनास्ट फ्रॉम ऑफ फॉरगेटफुलनेस, जो भूलने की जो साधारणतः जो प्रक्रिया है, आई सपोज, तो मेरा मानना है एक्योर इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर, वो पोस्टिंग लेटर से है. राइटर कर रहे हैं कि भूलने की जो बात है वो हम, मतलब मेरे ख्याल से लगता है कि वो पत्र छोड़ने से है. कैसे? सो कमन
is it that I am always reluctant to trust a departing visitor to post an important letter. So little do I rely on his memory that I put him on his oath before handing to the letter to him. जहाँ तक मेरा बात है, मैं किसी को पत्र छोड़ने के लिए अगर मैं देता हूँ, कोई अगर मेरा इम्पोर्टेंट लेटर है, महत्वपूर्ण पत्र है, और वो उस पत्र को मुझे किसी को देना है, तो इस मैटर में सबसे पहले मैं उसे भरोसा नहीं करता हूँ. रिलेन का मतलब उसके मेमोरी पे मुझे भरोसा नहीं होता है, उसके याददाश्त पे मुझे भरोसा नहीं होता है. इसीलिए मैं क्या करता हूँ, उससे सबसे ज़्यादा मैं उसको कसम खिलवाता हूँ. मैं सबसे ज़्यादा उससे ओथ का मतलब होता है शपथ दिलाना, कसम खिलाना. बिफोर हैंडिंग द लेटर टू हिम, उसको पत्र देने से पहले मैं उसको शपथ दिलाता हूँ कि तुम अगर जा रहे हो तो मेरा पत्र जो है लेटर बॉक्स में ज़रूर डाल देना. अगर इस बात के लिए तुम कसम खाओ कि अगर मेरा पत्र डालोगे लेटर बॉक्स में तभी मैं तुम्हें ये लेटर दूंगा, अदरवाइज मैं तुमको ये लेटर नहीं देने वाला. राइट ना, ओके. एज पर माई सेल्फ, राइटर बोल रहे हैं, जहाँ तक मेरा बात है, एनी वन हु आस्क मी टू पोस्ट ए लेटर इज ए पुअर जज ऑफ कैरेक्टर. अगर मुझे कोई लेटर देता है छोड़ने के लिए तो मैं उसके संबंध में बस एक ही बात बोलूँगा कि उस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को जज करना नहीं आता है, मतलब उसका जजमेंट पावर अच्छा नहीं है. अगर वो जज करता तो मेरे को पत्र देता नहीं, क्योंकि मैं सबसे बड़ा अब्सेंट माइंडनेस पर्सन हूँ. मैं लेटर को मैं यूं ही भूल ही जाता हूँ. इवन आई कैरी द लेटर इन माई हैंड, हालांकि मैं पत्र को हाथ में ले लेता हूँ. अगर मुझे कोई देता है पत्र छोड़ने के लिए तो मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ. राइट ना, एंड आई एम ऑलवेज पास्ट द फर्स्ट लेटर बॉक्स बिफोर आई रिमेम्बर डेट आई ऑट टू हैव पोस्टेड इट. और मैं क्या करता हूँ, उसको मैं लेटर बॉक्स में मैं डालने की कोशिश करता हूँ कि मैं सबसे पहले मैं उसको पोस्ट कर दूँ. लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, वेरी ऑफ होल्डिंग इन माई हैंड, उस पत्र को मैं हाथ में लिए रहता हूँ. आई देन पुट इन फॉर ए सेफ्टी इन टू वन ऑफ माई पॉकेट एंड फॉरगेट ऑल अबाउट इट. तो वहाँ जाते जाते मैं उस चीज़ को मैं सोचता हूँ कि इसके हाथ में लिए हुए लेटर को मैं थक गया हूँ तो उसको सेफ्टी की दृष्टि से मैं उसको अपने पॉकेट में रख लेता हूँ और बाकी सब चीज़ों को मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ. पॉकेट में चला जाता है तो मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ कि किसी का मैं लेटर लिया था, मुझे छोड़ने के लिए उसने मुझे दिया था और छोड़ना है. राइट ना, आगे देखते हैं. आफ्टर डैट, उसके बाद, इट हैज एन अन एडवेंचरस लाइफ टिल ए लॉन्ग चैन ऑफ सर्कमस्टेंस लीड्स टू ए नंबर ऑफ इम्ब्रेसिंग क्वेश्चन बींग आस्क्ड एंड आई एम कंपेल्ड टू प्रोड्यूस द एविडेंस ऑफ माई गिल्ट फ्रॉम माई पॉकेट. और उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद से मैं अपने रोमांचित दुनिया में मैं खो जाता हूँ. रोमांचिक दुनिया में मैं खो जाता हूँ और उसके बाद मेरे मन में जो है प्रश्नों की एक झड़ी सी लग जाती है. राइट नाउ, और प्रश्नों की एक झड़ी सी लग जाती है और फिर मैं अपने बचाव के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने बचाव के लिए मैं उस पत्र को मैं बाहर निकालता हूँ. दिस इट माइट बी टॉट मस्ट बी ड्यू टू ए लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल्स लेटर. तो ये चीज़ में अवश्य ये चीज़ मानना चाहिए कि हम लोग जो है क्या, इंसान क्या करता है, दूसरी चीज़ों के, दूसरे व्यक्ति के चीज़ों में वो कम इंटरेस्ट लेता है, कम रुचि लेता है. जैसे कि अगर किसी ने आपको लेटर दिया कि आप ले जा करके आप छोड़ दो, आप उस लेटर को आप पोस्ट कर दो, तो उस लेटर में क्या होता है, कम इंटरेस्ट लेते हैं. राइट ना, बट दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेनेशन फॉर आई फॉरगेट टू पोस्ट सम इवन इफ द फ्यू लेटर दैट आई माई सेल्फ रिमेंबर टू राइट. अब एक्चुअली राइटर ये भी कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि उस लेटर को भी मैं छोड़ना भूल जाता हूँ जिस लेटर को लिखने के लिए मुझे उस शब्द को याद करना पड़ा था.
यानी कि कोई जरूरी अगर चीज है, अगर आप कहीं इमरजेंसी में अगर किस कहीं पे अगर आप लेटर उनको भेजना होता है या किसी भी व्यक्ति को भेजना होता है, तो तुरंत उसने लिखा और जाकर के छोड़ दिया। लेकिन जिस लेटर का कोई मतलब नहीं है, जैसे किसी फ्रेंड के पास आपको बेवजह लेटर भी भेजना है जिसका कोई मतलब नहीं है, तो हो सकता है कि लेटर आपके पॉकेट में है, पॉकेट में हो और आप पोस्ट ऑफिस के पास से आप घूम करके वापस आ जाएं। तो ठीक इसी प्रकार से राइटर कह रहे हैं कि मैं कभी कभी फ्यू लेटर कुछ पत्रों में मैं भूल जाता हूँ, क्यों? क्योंकि आई माई सेल्फ रिमेंबर टू राइट, उस पत्र को लिखने के लिए मुझे याद करना पड़ता था कि मैं क्या लिखूं। ओके, इन ट्रेन एंड टैक्सी, ट्रेन और टैक्सी में आई कैन रिमेंबर ऑलमोस्ट एनीथिंग, मैं ट्रेन और टैक्सी में लगभग मैं सभी चीजों को याद रखता हूँ, एक्सेप्ट बुक, सिवाय किताब के, एंड वॉकिंग स्टिक, और वॉकिंग स्टिक छड़ी की बात कर रहे हैं, एंड आई कैन ऑफन रिमेंबर इवन बुक, और मैं प्रायः हालांकि मैं किताब को क्या करता हूँ, मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ, क्यों? ओके, वॉकिंग स्टिक आई फाइंड इट क्वाइट इम्पॉसिबल टू कीप, स्टिक जो है उसको ठीक से रखना जो है काफी मुश्किल है, क्यों? आई हैव एन ओल्ड फैशनेड टेस्ट फॉर देम, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम ओल्ड फैशनेड लगता है, ओल्ड फैशनेड का मतलब हो गया एकदम पुराने तौर तरीके से, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो एक छड़ी आप लिए हुए हैं, तो हो सकता है कि अगर आप स्टिक लिए हुए हैं, जैसे ओल्ड मैन लो स्टिक लेकर के वॉकिंग करते हैं, तो हो सकता है कि आप उसको कहीं रख दें, तो उसको राइटर भी वही काम करता है, कहीं ले जा करके रख देता है, एंड आई बाय देम फ्रीक्वेंटली बट नो सूनर डू आई पे बिजी टू ए फ्रेंड्स हाउस फॉर ए गो ए जर्नी इन ए ट्रेन देन अनदर स्टिक इज ऑन इट्स वे इन टू द वर्ल्ड ऑफ द लॉस्ट। और क्या होता है, एक्चुअली इसका रीजन ये होता है कि वो स्टिक का उतना कॉस्ट नहीं होता है, और कॉस्ट नहीं होने के सस्ता होता है, तो इसी वजह से मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ और वो चीज़ें जो है वो लॉस्ट कर जाती है, और वो एक दुनिया वो जा कर के वो एक दुनिया का एक दुनिया में वो चीज़ें खो जाती है, लॉस्ट कर जाती है। राइट नाउ आई डेयर नॉट कैरी एन अम्ब्रेला फॉर फियर ऑफ लूजिंग इट, लेकिन जब मैं कभी दोस्तों के घर जाता हूँ तो मुझे छाता लेकर जाने का हिम्मत नहीं होता, क्यों? खो जाने के डर से। स्टिक सस्ता मिलता है इसीलिए मैं लेकर के जाता हूँ, खो भी जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जहाँ अम्ब्रेला की बात है तो अम्ब्रेला महंगा मिलता है, तो इसीलिए मैं अम्ब्रेला को लेकर के नहीं जाता हूँ, मुझे डर रहता है कि कहीं इसे मैं खो ना दूँ। टू गो थ्रू अ लाइफ विदाउट इवर हैविंग लॉस्ट एन अम्ब्रेला हैज इवन द ग्रिमनेस्ट जर्ड अम्ब्रेला कैरियर इवर अचीव्ड दी। तो आगे राइटर बोल रहे हैं कि क्या कोई ऐसा भी सावधान या भाग्यशाली व्यक्ति है दुनिया में या दुनिया में रहता है जिसने जीवन व्याप्त करते वक्त जो है अपना छाता न खोया हो, या कोई भी चीज़ जो है, कोई दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अभी तक कहीं अगर गया होगा और कोई ना कोई सामान नहीं छोड़ा होगा। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने लाइफ में बहुत सारे सामान जो है वो छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, किसने किसके वजह से, तो फॉरगेटफुलनेस की वजह से, भूलने की वजह से, विस्मृतता की वजह से वो अपने सामान को लॉस्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं। एक्चुअली बहुत सारे जो सस्ते चीज़ें होते हैं वो चीज़ को तो हम ज़्यादा याद नहीं रखते हैं, लेकिन जो महंगा चीज़ें हैं वो चीज़ को हम याद रखते हैं, तो जो सस्ते चीज़ होते हैं उसको हम लगभग उस चीज़ को हम फॉरगेट कर जाते हैं, भूल जाते हैं। राइट नाउ तो इसी प्रकार की जो चीज़ें हैं, जो लंदन के रेलवे स्टेशन पे एक बड़ा सा लिस्ट चिपकाया गया था जो यात्रियों के द्वारा वहाँ पे सामान छोड़ा गया था। राइट नाउ तो जो लोग भी उसको पढ़ रहे थे काफ़ी हैरान हो रहे थे, इसी के बारे में राइटर यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।